अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वॉच हिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 करेंगे, द उमायाद, जिसका आज का हमारा टॉपिक है द डोम ऑफ रॉक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो इसकी ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करते हैं। डोम ऑफ रॉक बनाया गया था लेट 7th सेंचुरी में उमायाद खलीफा ने। उस खलीफा का नाम था अब्दुल मालिक इब्ने मारवान। उस वक्त से लेकर अरब आर्मीज इस बात पर फोकस कर रही हैं कि किस तरह कब्ज़ा किया जाए, ना कि इसको बनाया जाए। इस हिस्टोरिक स्ट्रक्चर को बना के ये माना जाता है कि अब्दुल मालिक को उम्मीद थी कि ये मुसलमानों का सॉवरेनिटी का निशान बन जाएगा मुसलमानों के लिए आने वाले वक्तों में। हालांकि एग्जैक्ट रीज़न इस कंस्ट्रक्शन का अभी भी अनक्लियर था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये जानना कि डोम ऑफ रॉक जो है वो मस्जिद नहीं है बल्कि एक श्राइन है, और इसकी ग्रैंड अपीयरेंस की वजह से ये बहुत मशहूर है और इसे गोल्ड डोम कहा जाता है। और इसमें एंट्री गेट यानी कॉम्प्लेक्स अरबिक इंस्क्रिप्शन कहते हैं राइटिंग की हुई है, जिससे उसको डेकोरेट किया गया है। डोम ऑफ रॉक फेमस है अपनी पुरानी ग्रेट इस्लामिक बिल्डिंग की वजह से, यानी ह्यूज इस्लामिक बिल्डिंग की वजह से। साथ ही साथ इसके मस्जिद अक्सा है, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है तीनों रिलीजन में। मोनोथेस्टिक रिलीजन कहते हैं जो एक खुदा में मानते हों, जैसे कि इस्लाम, जुडिज़्म और क्रिश्चियनिटी। बहुत सारे मुसलमानों का ये मानना है कि डोम ऑफ रॉक बनाई गई थी रॉक के ऊपर, जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असेंडेंट मतलब ऊपर की तरफ गए थे हेवन में मेराज के वक्त पर। अब हम बात कर लेते हैं कोडाबा की, जो कि सेंटर ऑफ लर्निंग था और कल्चर का मरकज़ था यूरोप में। अब्दुलरहमान ने हुकूमत की थी डायरेक्टली कोडाबा पर, जो कि उमायद कैपिटल अंदलुस में वाक़ है। इसने हुक्म दिया था कंस्ट्रक्शन का, तो वो जो कंस्ट्रक्शन का इसने हुक्म दिया था वो बन गई थी कोडाबा की सबसे बड़ी मस्जिद, यानी कोडाबा की सबसे बड़ी मस्जिद का उसने एजाज़ हासिल किया। इसकी औलाद खास करके अब्दुलरहमान ने तारीख की सबसे ज़बरदस्त सिविलाइजेशन बनाई स्पेन में, जो कि 1492 तक चली। कोडाबा बहुत मशहूर था एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाहिद जगह थी जिसका मुकाबला था एक ज़बरदस्त इस्लामिक सिटी बगदाद से, यानी बगदाद भी सेंटर ऑफ लर्निंग के लिए माना जाता था। 10th सेंचुरी में कोडाबा में 5 लाख लोग थे, जो कि पेरिस से 10 गुना ज़्यादा थे। इनकी सड़कों पर रात में लाइट जलती रहती थी। इसके 100 साल बाद यूरोप में भी ऐसा होता रहा, यानी वहाँ पर भी सड़कों पर लाइट जलने लगी। और ज़्यादातर घरों में पानी जो आता था वो वेस्टर्न यूरोप के लोग उसमें उसी से नहा लेते थे, यानी बहुत कम ऐसा होता था कि घरों में पानी आता था तो साल में कुछ ही बार नहा पाते थे। आर्टिस्ट, आर्किटेक्चर और साइंटिस्ट ग्रुप वहाँ पढ़ने जाते थे, क्योंकि वो खुद भी इंस्पायर थे और दूसरों को भी इंस्पायर करने के लिए वहाँ जाते थे। अब हम टोलेडो द फ्रंटियर कैपिटल, यानी जो बॉर्डर पे कैपिटल था, उसके बारे में पढ़ते हैं। अंदलुस जो है वो कोडाबा में है और इसके नॉर्थ में टोलेडो है, जो कि स्पेन का दिल माना जाता है। इसकी लोकेशन फ्रंटियर यानी बॉर्डर पर है, जिसका असर ऐसा पड़ा कि इसने जूस, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को एक कर दिया और उनके दरमियान अमन कायम हो गया। फिर उन्होंने मिलकर काम किया साइंस और फिलॉसफी पर। टोलेडो ने कनेक्ट किया अल अंदलुस को यूरोपियन क्रिश्चियन से, जबकि 10th और 11th सेंचुरी में डार्क एज चल रहा था यूरोप और टोलेडो में। जो काम किए थे ग्रीक्स ने, जैसे कि प्लाटो, यूक्लिड, अरिस्टोटल और गैलेन ने, ये लोग वो सब कुछ भूल गए थे, यानी यूरोप के लोग ये सब कुछ भूल गए थे कि क्या हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर डार्क एज चल रहा था। लेकिन इन सब पर दोबारा काम शुरू हुआ मुस्लिम दुनिया में बगदाद में, ठीक है। दोबारा काम इन लोगों ने शुरू किया था बगदाद में जाकर और अंदलुस में। टोलेडो वो जगह थी जहाँ यूरोप को दोबारा काम करने का मौका मिला ग्रीक मास्टर्स के साथ। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात ये थी कि वो क्रिश्चियन विजिटर्स जब वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ के कल्चर को देखा, जो कि ग्रीक्स बनाकर गए थे, जिससे उनकी नॉलेज बढ़ी और उसकी मदद से उन्होंने साइंस पर काम किया, जिसने आगे चलकर फिज़िक्स, सर्जरी और फार्मोलॉजी की शक्ल इख्तियार कर ली। एक गुड एग्जांपल यहाँ के कल्चर की एक्सचेंज की ये थी, वो थे माइकल स्कॉट, जो कि स्कॉटिश पुजारी थे जिन्होंने ट्रैवल किया यूरोप में, और वो टोलेडो गए। वहाँ उन्होंने अरबिक लैंग्वेज सीखी और शुरू किया ट्रांसलेट करना मुसलमानों के स्कॉलर्स के काम को, जिसे कि एवन सीना, जो कि इब्न सीना कहलाते हैं, और एबी रोज़ यानी इब्न रशीद, इसको लैटिन में उसने ट्रांसलेट किया अरबिक टू लैटिन में। ट्रांसलेशन जो है ये फैल गई पूरे यूरोप में और इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। रेनाइसेंस कहते हैं मतलब कि जो लर्निंग का अमल दोबारा स्टार्ट हो गया 15th सेंचुरी में। वो पापा को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।